हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं रेसिपी बनाऊं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भरी मिर्च का अचार, जो कि सालों साल तक ख़राब नहीं होता है। और आप बना लीजिए और इसको रख दीजिए, आप पूरे साल खाइए। और विंटर में ज़रूर हम लोग बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैंने ये हरी मिर्च लिया है और हरी मिर्च को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसको अच्छे से पोंछ लिया है। इसको अच्छे से पोंछना है हमें, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, मैं ये आपको दो तरीके से बना के भर के दिखाऊंगी कि इस तरह से भी भर सकते हैं और इस तरह से भी। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी, नहीं तो मिस हो जाएगा। तो इस तरह से पहले देखिए, मैंने इसको कर लिया है, अब कट कर लिया है। आप इस तरह से लंबा भी कर सकते हैं, हाफ करके भी कट कर सकते हैं और लंबा भी भर सकते हैं। तो मसालों में हमने क्या क्या लिया है वह मैं बताती हूँ। ये मैंने लिया है राई, और राई आप कोई सा भी ले सकते हैं, जीरा, मेथी और सौंफ। सौंफ हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है, और अजवाइन। और ये मैंने लिया है मंगरेल, इसको काला जीरा भी बोलते हैं। और ये हींग लिया है मैंने। ये मसाले हमें चाहिए। मसाले की क्वांटिटी आप अपने मिर्च के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने। अब मैं इसको अच्छे से कढ़ाई रख के इसको हमको इसका जो मॉइस्चर है इसके अंदर उसको हमें निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई गरम करके उसमें मैंने डाल दिए हैं मसाले, और उसको हम भून लेंगे एक खुशबू आने तक, और इसका मॉइस्चर भी पूरा निकल जाए और एक खुशबू आने लगे तब तक। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, इसको हमको गर्म करके लेना है। तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे। और ये मैंने मसाले लिए हैं, तो अभी देखिए थोड़ा चटकने लगा है और इसका मॉइस्चर जितना भी था सारा निकल गया है। इस तरह से भून के अगर आप बनाएंगे मसाला इसका तो बहुत टेस्टी बनता है और अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैंने कढ़ाई में से भून गया है, निकाल लिया है, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद फिर इसको हमको ग्राइंड करना है, और दरदरा ग्राइंड करना है, एकदम महीन नहीं करना है। और इसको इधर मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया है, और इसको एक बॉयल आना है हल्का सा, और उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे ऑयल को। फिर हमें इसके अंदर डालना है। अब मैंने इसको मिक्सचर जार में ले लिया है, उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके मैं दिखाती हूँ। तो मैंने ग्राइंड कर लिया है, और देखिए इस तरह का इतना दरदरा हमें रखना है, पूरा महीन नहीं करना। इसको एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद फिर हम इसको इसके अंदर मिलाएंगे हम मसाले। तो मसाले मिला के आपको दिखाती हूँ। तो मसाले में मैंने ये सारे मसाले लिए हैं। मैं हरी मिर्च बहुत तीखी नहीं होती है, तो मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला लिया है। आप चाहे तो और अमचूर पाउडर, और ये हींग लिया है मैंने। हींग बहुत ज़रूरी होता है अचार में। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप हाथों की सहायता से या स्पून की सहायता से मिला सकते हैं। इस तरह से मिलाने के बाद इसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल जो हमने गर्म किया था उसको मिलाएँगे, ताकि ये अच्छे से मसाला इसका रेडी हो जाए। उसके बाद ये विनेगर लिया है मैंने। विनेगर को भी हम एक चम्मच डालेंगे। इससे क्या है कि अचार में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और अचार हमारा लंबे समय तक चलता है, तो हमें विनेगर का यूज करना है। और इसको हमको अच्छे से हमने मिला दिया है। और देखिए इस तरह से मिलाने के बाद फिर हम थोड़ा ऑयल और मिलाएंगे, मस्टर्ड ऑयल, और अच्छा से मसाला रेडी कर लेंगे। फिर हम मिर्च के अंदर भरेंगे। तो इस तरह से तो ये मिर्च हमने ले लिया है और इसके अंदर अब हम भरेंगे। और इसको हम दो तरीके से भरेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हमको भरना है। तो इस तरह से देखिए हमें खाली कर लेना है और बीच से कट कर लेना है। तो ये हमारा हो गया है मिर्च। चलिए तो मैं अब भर कर दिखाती हूँ आपको। तो जो मसाला मैंने रेडी किया है उसको ले लूँगी और सभी मिर्चों में भर दूँगी। इस तरह से बीच में भर के हमको इसे बंद कर देना है, और इसी तरह से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। देखिए जिस तरह से मैं भर रही हूँ इसी तरह से हमें भरना है। तो हम दो तरीके से भर सकते हैं। इस तरह से हमने भरा और लंबे कट किया था उसमें, छोटे कट इसलिए करते हैं कि अगर जब आप खाना हो तो एक पीस निकालिए और पूरा फिनिश करिए। बड़े होता है तो फिर काटने का झंझट होता है, तो इसलिए छोटे छोटे पीस करके डाल दो तो भी अच्छा रहता है। अब मैं एक दूसरे तरीके से बता रही हूँ कि इसको कट बीच से नहीं लगाना है, ऊपर से निकालना है और वहाँ होल कर देना है स्पून की हेल्प से,
और उसके अंदर इस तरह से हमको भरना है, तो आप इस तरह से भी भर के रख सकते हैं, और जब आपको खाना हो तो कट करके आप कर। इस तरह से क्या होता है कि मसाला बहुत अच्छे से अंदर तक रहता है, और मसाला काफ़ी मतलब भर सकते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि अंदर ऐसे डाल डाल के भर सकते हैं। वैसे क्या होता है कि मसाले हम थोड़े कम डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिर्चें सारी भर गई हैं, मिर्चें रेडी हो गई हैं, और बहुत अच्छे मिर्च का अचार बना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो मस्टर्ड ऑयल हमने आधा उधर डाल दिया था और आधा ये रखा है, तो जो मिर्च हमने भरी हुई हैं उसके पानी इसमें जो मस्टर्ड ऑयल लिया उसमें डुबा देंगे इस तरह से मिर्चों को, और फिर हम एक बॉटल में भरते जाएंगे। बॉटल आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कांच का ले तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें इसको ही लिया है, लेकिन कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होता है इसको लेने से भी। इसमें डाल के भर देंगे इसी तरह से हम सारे मिर्चों को भर के और एक बॉटल में भर के रख देंगे, और इसको हमको इसी तरह से इसका ढक्कन बंद करके जो बचा तेल होगा वो ऊपर से हम डाल देंगे। और बहुत तेल का यूज़ नहीं हमने किया है यहाँ पे, इसमें बहुत तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े से में ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो मिर्च का अचार है रेडी है। इसको हमको पूरा 1 वीक तक धूप में रखना है और बीच में हिला देना है, उसके बाद हम इस अचार को खा सकते हैं। और तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम रेडी हो गया है हमारा अचार, और आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आपको मेरा अचार बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी के लिए। और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।